अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जश्न यौमे जमहूरिया मनाया तो गया, पर क्या जिस संविधान का पासो लिहाज होना चाहिए वो हो रहा है, ये भी उतना ही अहम है। अब तो सरकारी मौकमाओं में तो मनाया जा रहा है, पर कहीं तो निजी दफ्तरों में तिरंगा लहराते हुए नहीं देखा जा रहा। इससे पहले काफी जोश जज्बा देखने को मिलता था। खैर, कौमी नारों की जगह मजहबी नारे भी लगाते हुए देखने को मिल रहा है। खासकर रामनगर स्कूल में मजहबी नारे लगाने की वीडियोस पाए। आखिर इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे का मंशा भी समझने के लिए बड़े अकलमंद होने की जरूरत नहीं है। और बात और भी संजीदा हो जाती है जब सेक्युलर हुकूमत इख्तदार पर हो। वैसे भी जहां भी भाजपा की हुकूमत है वहां तो मनमानी हरकतों के साथ मनमानी फैसले भी लिए जा रहे हैं। वहां तो उन्हें पूछने वाला तो कोई है भी नहीं। रामनगर स्कूल में मजहबी नारे लगाए जा रहे थे तो स्कूल मोहकमा भी तो वहां मौजूद था। आखिर कार्रवाई क्यों कर नहीं की गई? आखिर कौन लोग हैं जो मुल्क के संविधान के खिलाफ मजहबी नारों को लगाने की हिम्मत करते हैं? कोई भी किसी भी धर्म मजहब का हो, मुल्क का संविधान सबसे ऊपर होता है और जो भी शख्स संविधान के खिलाफ वर्जी करता है मुजरिम कहलाता है, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। आज भी भारत का संविधान सर्वतोपरि है और इसी संविधान ने मुल्क की एकता अखंडता को बरकरार रखा है। और धीरे धीरे मामला कुछ और तरफ मुड़ता जा रहा है। बेलगाम शहर के कई बड़े कंपनियों में जो पहले 26 जनवरी मनाया जाता था, अब कहीं तो इसे लेकर बेजारी देखी जा रही है। भारत के कुछ इलाकों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर भी तनाजा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे वीडियोस दस्तयाब भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर देश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा कह सकते, और जिस दिशा में मुल्क आगे बढ़ रहा है डर लग रहा है कि कहीं धर्म की बुनियाद पर ही मुल्क का संविधान न बनाया जाएगा, क्योंकि माहौल तो उसी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। खैर, अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करने के बावजूद भी खामोशी अख्तियार करने लगे तो फिर आगे हालात और भी खतरनाक होंगे, इतना जरूर है, क्योंकि अब तक धर्म के नाम पर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सका है। बतौर मिसाल पाकिस्तान या नेपाल देख सकते हैं। नेपाल तो पहले हिंदू राष्ट्र बनाया गया था, जिसकी क्या कैफियत हुई सभी ने देखा है। फिर यहाँ जमहूरियत को फिर से लागू किया गया। बेलगाम शहर के कई जगहों पर तिरंगे से भी भगवा ऊपर रखा गया था। कुछ जगहों पर भगवा और तिरंगा एक साथ लहरा रहे थे। क्या यही जरूरत कोई और मजहब के लोग करते तो पता नहीं देश विरोधी और क्या क्या अलकाब से उन्हें नवाजा जाता, मुकदमे भी दायर कर दिए जाते। बेलगाम शहर इंतजामिया की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे पहले भी देखा गया है कि शहर का माहौल बैनर्स झंडे पोस्टर्स को लेकर खराब हुआ है। कोई कांग्रेस का लीडर या भाजपा का लीडर शहर में आता है तो सर्कल चौराहे रास्तों को झंडों पोस्टरों से भर दिया जाता है और तब तक नहीं निकाले जाते जब तक फट न जाए। बेलगाम कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि शहर की खूबसूरती को बरकरार रखे। ईद के झंडे हो या गणपति शिव जयंती होली के पताका परचम हो, जब ईद त्योहार खत्म हो जाते हैं तो उन्हें निकाला भी जाए। अब 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मनाएगा। सरकारी तौर पर 26 जनवरी की तैयारियों के लिए चौराहे सर्कल अहम रास्तों को तिरंगे से या रोशनाई से जगमगाया जाए, लेकिन कहीं तो मौकमा नाकाम नजर आया। क्या किसी पार्टी का डर इनके दिल में था या फिर लोकसभा चुनाव के नजदीक किसी तरह की नाराजगी उठाना नहीं चाहते थे? खैर, इस पर तवज्जो जरूरी है, क्योंकि शहर रियासत हो या फिर मुल्क में अमन कायम हो इसका ख्याल होना चाहिए। लिहाजा आज कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जश्न यौमे जमहूरिया मनाया गया। भारत का सबसे बड़ा परचम किला तालाब में साबिक MLA जनाब फिरोज सेठ साहब ने लहराया था, आज MLA आसिफ सेठ के हाथों फिर लहराएगा 26 जनवरी के मौके पर। कसीर तादाद में अतराफ की आवाम ने भी शिरकत फरमाई। मुल्क में बढ़ता मजहबी तफरके पर भी फिक्र का इजहार किया गया। 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस पार्टी की फिक्रों में इजाफा हो चुका है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत मुश्किल होती नजर आ रही है और एक तरह से भाजपा हिंदुत्ववादियों ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने का नैरेटिव भी चलाया है और असर भी देखने को मिल रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ संविधान विरोधी गिरोह भारत में और बेलगाम शहर में भी बहुत ज्यादा सरगर्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसा इल्जाम भी लगाया जा रहा है और यह हकीकत भी लग रही है। आज कई जगहों पर यौम जमहूरिया नहीं मनाया गया, सिर्फ सरकारी दफ्तर स्कूलों में मनाया गया। कुछ जगहों पर तो रस्मी तौर पर अंजाम दिया गया ऐसा लग रहा था। जिला इंतजामिया की जानिब से हर साल की तरह यौम जमहूरिया मनाया गया, जिसमें DC बेलगाम, कमिश्नर ऑफ पुलिस, MLA नॉर्थ, वजीर रियासत और दिगर जिम्मेदारान ने शिरकत फरमाई। इसी तरह सुवर्ण सऊदी हाथे में भी आज बड़े पैमाने पर रिपब्लिक डे मनाया गया। अंजुमन बेलगाम, आजाद नगर, अमन नगर, उज्जवल नगर, गांधी नगर, आजम नगर, सुभाष नगर, असद खान सोसाइटी और उर्दू स्कूलों में और भी दिगर शहर के इलाकों में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया।
इत्तेहाद न्यूज की जानिब से तमाम मुहिब्बान वतन को जश्न यौम जमहूरिया की पुरखलूस मुबारकबाद। हमको किसी हाल में मुल्क के संविधान को बचाना है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ सैकड़ों जुबान, मजहब, तहजीब, रंग, नस्ल, धर्म, मजहब के बावजूद एक गुलदस्ते की तरह इन तमाम धर्म, मजाहब, तहजीबों को सजाया गया और इन तमाम को जोड़ने का काम इसी संविधान ने किया है। आइए देखते हैं आज यौम जमहूरिया के कुछ मंजर। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। झंडा शर्ट दो, अरे एक साथ राष्ट्रगान सुरक कर। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्तर बंगाल, विंध्य। पीपल रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस दिन हमारा क्या संविधान बना, संविधान को बनाने वाले कौन थे? और बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने सारे धर्मों को अपनी नज़र के सामने रखते हुए इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि इस देश में रहने वाला हर मज़हब का लोग अपने मज़हब के ऊपर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। इतना बेहतरीन जमहूरियत पूरे दुनिया के अंदर। जिस मज़हब का भी इंसान या बसता हो, इंसानियत की तालीम ही हमारी जिम्मे है। इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसीन इंसानियत कहा गया है। इस ज़मीन पर लोग खून चाटने वाले, एक दूसरे को कत्ल करने वाले थे। इंसानियत की तालीम इस्लाम ने दी है कि किसका क्या हक है, क्या है। इस मुल्क में सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है और दिगर और मजाहिब वाले बसते हैं। और आज का दिन हमारे जो है संविधान का दिवस है। आज हमारी जमहूरियत वगैरह जो है फाइव में,
और जमहूरियत जमहूरी मुल्क के लिए जो है एक असास की बुनियादी तौर पर जो है मानी और जानी जाती है। और ये जमहूरिया का दिन हो या आज़ादी का दिन हो, सरजमीन हिंद पर बदबता तौर पर तमाम हिंदुस्तान के वासी मिलकर जो है झंडे की जो है परचम कुशाई वगैरह किया जाता है और बाहमी जो है इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम आपस में बांटा जाता है। और रही बात इस्लामी एतबार से तो इसमें भी बदबता तौर पर यह कहा गया है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का जो है लाजमी जुज है हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र और जो है हम तमाम आपस में जो है मेल और मोहब्बत का जो है ये जरिया है कि हम तमाम मिलकर जो है बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है योम आज़ादी का तकरीब हो या योम जमहूरिया की तकारीब वगैरह हो बाहमी उल्फत के साथ जो है मनाया करते हैं। तो आज जो है 26 जनवरी के मौके पर मेरी जाने से बस मैं यही पैगाम दूंगा कि बाहम इत्तेहाद को इस तरह बरकरार रखें, आपस जो है साथ साथ जो है बात करें, हम जमीन हिंद की जो है हरी भरी खेती को उजाड़ बरार करने से अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि जितनी हमारी आपस में जो है मोहब्बत रहेगी अदावतें दूर रहेंगी हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की करता रहेगा और देश की तरक्की हमारी तरक्की है। लिहाजा देश की तरक्की खातिर जो है हर हिजां जो है जहाँ बनाकर जो है अपनी को जो है कोशिश वगैरह करनी है और बाहमी इंसानियत उल्फत मोहब्बत को जो है मेल जुल कर जो है बांट कर जो है इत्तेहाद के साथ जो है अपने वतन को आगे बढ़ाना है। और 26 जनवरी के जो है मौके पर जिस तरह यौम जमहूरिया की तकरीब वगैरह मुनाकिद की जाती है जिसमें कानून की सजा वगैरह हुई थी, बदबता तौर पर उस कानून को जब मुसलमान हैसियत से देखा जाए, कानून की जो है बेजा हुरमत वगैरह न करें बल्कि जो है कानून को जो है अपने हाथों में ना लेते हुए कानून का पालन वगैरह करने के हद मकसूद कोशिशें करें। तमाम तरह के जो कवानीन वगैरह बनते हैं ये सब जो है हमारी हिफाजती इकदाम के तहत जो है बना करते हैं, तो हर कानून को अमीर गहराइयों से देख कर उसी के ज़रिए से जो है अपनी सरजमीन हिंद की जो है बहार को जो है निखार में लाने की जो है कोशिशें कीजिए और आपसी जो है मोहब्बत को इसी तरह कायम और बरकरार रहकर अपने साथ में जो है तमाम अफराद को साथ में लेकर संगत में लेकर जो है देश की तरक्की में अपना अपना जो है हिस्सा वगैरह निभाने की कोशिश कीजिए। तो यही चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इसी तरह मेल जोल के साथ जो है रहने की तौफीक इनायत फरमाएंगे और ताहम जो है तादम अजीज जो है वतन से जो है अपनी मोहब्बत को बरकरार रखने के अल्लाह रब्बुल आलमीन थे और वतन की खातिर जो है जान भी अगर कुर्बान करना पड़े उससे दरीग ना करते हुए वतन के लिए हर वक्त जो है मुकदम रहने की अंदर मतलब कोशिशें करेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज सहारा फाउंडेशन की जानिब से रिपब्लिक डे के मौके पर 26 जनवरी के चश्मे दिए जा रहे हैं जो अंजुमन हॉल में टेस्टिंग हुई थी, जिसमें से आधे चश्मे आज दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले एक या दो हफ्ते में जो पेंडिंग चश्मे हैं वो दिए जाएंगे। अंजुमन हॉल में जब हम लोगों ने कैंप किया था उसमें 250 हम लोगों को कैटरेक्ट डिटेक्ट हुए थे, कैटरेक्ट पेशेंट्स और उनके साथ में जो उनके पड़ोसी है या पहचान वाले है, टोटल 400 से ज़्यादा हम लोगों ने केएलई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई, जिसमें पेशेंट के लिए खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन और सर्जरी फ्री था। और ये आई टेस्टिंग के कैंप्स हम लोग इंशाल्लाह ये 2024 में भी करेंगे और जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हमारे कैंप हो रहे हैं वहाँ आकर आप टेस्ट करवा सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको चश्मा भी देंगे।